इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया। इसके ऊपर एक बड़ा हंगामा मच गया। हंगामा मचना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ग्राउंड बनाया वो ये कि चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं, कानून से भागे हुए हैं, और बावजूद तनबीह के और बावजूद इस हकीकत के कि उनको एब्सकॉन्डर करार दिया गया है और मुतद्दद मरतबा उनको बताया गया कि आपको अदालत के सामने आकर इस मुकदमे के अंदर पेशी देनी है, उन्होंने इससे इस्तफादा नहीं किया इस सहूलत से, लिहाजा जो रिवायत है और जो कानून है उसके मुताबिक इसके अलावा कोई चारा नहीं कि उनकी अपीलों को खारिज कर दिया जाए। हुकूमत की तरफ से जो इसकी तशरीह आ रही है वो ये है कि चूँकि अपीलें खारिज हो गई हैं तो उन मुकदमात के अंदर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे और जिनके खिलाफ सज़ाएँ थी वो बरकरार हैं, और ये तशरीह बिल्कुल दुरुस्त है। जो चार्जेस लगाए गए वो भी आपको अपहोल्ड होते हुए नज़र आते हैं, जो सज़ाएँ हैं वो भी बरकरार हैं। जब ही तो अदालत ने यह भी कहा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या तो पकड़े जाएँ या अपने आप को सरेंडर कर दें तो उसके बाद उनके पास इसी अपील के तसलसल को बरकरार रखने की एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जो अपोजिशन के लिए तसल्ली का बायस है। पीएमएलएन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फेयर जजमेंट है इस लिहाज से कि जो उन सज़ाओं का मेरिट था जिसको हमने इन अपीलों के ज़रिए चैलेंज किया था उसको अदालत ने अपहोल्ड नहीं किया, लेकिन चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क में मौजूद नहीं हैं लिहाजा उनकी अपीलें खारिज कर दी गई। लेकिन ये केस तसलसल के साथ इसी अदालत के सामने मौजूद है, और जो हमारा असल चैलेंज है कि उन सज़ाओं की कोई बुनियाद नहीं थी और वो तमाम का तमाम ट्रायल जो था वो मैनिपुलेटेड था, और दूसरे जो ग्राउंड्स हमने बनाए हैं वो अपनी जगह पर बरकरार है। तो दोनों तरफ से आपको तशरीहें नज़र आती हैं। एक तशरीह के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर करार दिए गए अदालत की तरफ से और अदालत ने उनकी अपीलें खारिज कर दीं उस कन्विक्शन के खिलाफ जो हुकूमत के बयान के मुताबिक उनकी करप्शन को साबित करती है। अपोजिशन की तरफ से पीएमएलएन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो तब यही अपीलें दोबारा से मुअस्सर हो जाएंगी। बुनियादी बात जो करने की है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अब वापस आना ठहर गया है। वापस आना तो सियासत में वैसे भी पाकिस्तान में अमली तौर पर उनका ठहर गया था, लेकिन वो उसको मौखर कर रहे थे। हुकूमत का कहना है कि अब उनके पास ग्राउंड मौजूद है कि वो यूके की हुकूमत के साथ मिलकर मुजरमों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का मुआहदा कर ले। शेख रशीद साहब ने दोबारा से बात दोहराई है कि 15 दिन के अंदर ये मुआहदा हो जाएगा, और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत की तरफ से इन अपीलों के अखराज के बाद और पहले केसेस के अंदर सज़ाओं के बाद वापस लाने का एक बाकायदा मौका मिल जाएगा, और हम ला कर यहाँ पर उनको जेल में डाल देंगे। हुकूमत अब बहुत खुश और बाएतमाद नज़र आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस लाजमन आ जाएंगे। पीएमएलएन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत उनकी ज़िंदगी की ज़मानत देती है तो हम उनको वापस लाने को तैयार हैं, लेकिन अब पीएमएलएन की तरफ से जो स्टांस लिया गया है उसके अंदर आपको वज़न कम होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि एक तो अदालत की तरफ से जो सहूलत मुहैया की गई थी वो अब ख़त्म हो गई है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर करार दिया गया था तब भी मैंने एसटीएच के अंदर आपके सामने ये गुजारिश की थी कि अब नवाज शरीफ के गिर्द जो कानूनी घेरा है वो आपको तंग होता हुआ नज़र आता है, उनकी कानूनी ऑप्शंस जो आपको तंग होती हुई नज़र आती हैं। उस वक्त बहरहाल पीएमएलएन ज़िमनी इंतखाबात के जोश में थी, जलसे जुलूसों के जोश में थी, और पीडीएम बनने की बातें हो रही थी, इत्तेहाद की बातें हो रही थी, तो इस वजह से शायद ख्याल ये किया जा रहा था कि सड़क को गर्म रख के हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो तंग होती हुई कानूनी ज़मीन है उसको हम बढ़ा पाएंगे। अब जाहिर है वो सहूलत मैसर नहीं रही और अदालत ने फैसला कर दिया है। दूसरी बात, पीएमएलएन के लिए एक ऐसे वक्त पर फैसला आया है जब उनकी अपनी अंदर की सियासत एक ख़ास रुख इख्तियार कर गई है। आप देखें कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत पर बुनियाद करती हुई पॉलिसी अब आपको फील्ड में नज़र आती है, उसका एक नतीजा आप अख़ज़ कर सकते हैं कि इस तरह ख्वाजा आसिफ को बहुत अरसे के बाद अब नज़रबंदी से उनकी जान छुटी और हॉस्पिटल से जहाँ पर वो ज़ेर इलाज थे घर वापस चले गए, तो ख्याल ये किया जाता है कि ये भी एक मुफाहमत की पॉलिसी का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा कैच है हुकूमत के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके गिर्द आपको ज़मीन तंग होती हुई नज़र आती है, तो एक ऐसे वक्त में जब छोटी सहूलत मुहैया की जा रही है मुफाहमत के नाम पर और
बड़े जो शिकार हैं उनका शिकार जारी है, पीएमएल के लिए एक बहुत बड़ा मखमसा है। क्या अदालती फैसलों को वो मुकम्मल तौर पर कबूल कर लें, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वो कहें कि वापस आएँ। शहबाज शरीफ साहब ने आपको याद होगा कहा था कि मैं जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घुटने पकड़ूंगा, और जो बैनुस्सुतूर बात वो करना चाह रहे थे वो ये कि उनको इस पर मायल करूंगा कि वो अपना बयानिया तब्दील कर लें। अब वो जाकर जब घुटने पकड़ेंगे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले तो उनसे ये पूछेंगे कि आपकी मफाहमत की पॉलिसी के फौरन बाद मेरे साथ कानूनी तौर पर ये हो गया, तो अब मैं किस तरीके से वापस जाऊँ, और अगर मैं वापस गया तो क्या ज़मानत है कि मुझे बदतरीन किस्म की ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। ये जानते हुए कि इमरान खान साहब ने मुंह पर हाथ फेर कर ये कहा था कि अब तुम ज़रा वापस आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक तरफ से तो जो बड़ा लीडर है उसके बारे में जो खदशात हैं पार्टी के वो उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन वो मफाहमत की पॉलिसी की वजह से खदशात बयान नहीं हो पाते। दूसरी तरफ मफाहमत की पॉलिसी को आपने लागू किया हुआ है जिसकी छोटी छोटी कंसेशंस के ऊपर आप खुश हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डायलमा है और मखमसा है पीएमएलएन के लिए कि मफाहमत की पॉलिसी अपनाए रखें और अपनी जो बड़ी क्यादत है उसका उसको मलियामेट कानूनी तौर पर होते हुए देखते रहें, या फिर मफाहमत की पॉलिसी को अबैंडन कर दें। तो जब आप छोड़ देंगे तो फिर बड़ा सवाल ये होगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि मफाहमत की और मज़ाहमत की पॉलिसी ऐसी तो है नहीं कि आपने एक बटन दबा दिया और मफाहमत शुरू हो गई, एक बटन दबा दिया तो मज़ाहमत शुरू हो गई, तो दोबारा से वो मोमेंटम कैसे जनरेट करेंगे। तो पीएमएलएन के लिए सियासी तौर पर वाकईतन एक बहुत बड़ा धचका है। नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा, उनकी दोस्तर मरियम नवाज के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वजह से है कि उन्होंने ख़ास किस्म का बयानिया डेवलप किया और ये ख्याल किया जा रहा था कि उस बयानिए के ज़रिए उनके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती जा रही है। अब उन दोनों ने वो बयानिया छोड़ दिया है। अब इस फैसले के बाद जूं जूं नवाज शरीफ के वापस जाने की मजबूरी बढ़ती जा रही है तो वो क्या ऐसा बयानिया बनाएंगे जिसकी वजह से नवाज शरीफ का बाहर रहना वो जस्टिफाई कर पाएँ, या जिसकी वजह से नवाज शरीफ का वापस आना वो जस्टिफाई कर पाएँ। अगर अब नवाज शरीफ खुद से वापस आते हैं तो पहले खुद से वापस क्यों नहीं आ रहे थे, और अगर मुल्क से बाहर रहते हैं और वहाँ से रह के सियासत करने की कोशिश करते हैं तो इन अदालती फैसलों का क्या होगा जिनके ज़रिए उनकी सज़ा जो है वो बहाल हो गई है। और फिर अगर हुकूमत और बरतानवी हुकूमत के दरमियान माहदा तय पा जाता है और उसके ज़रिए नवाज शरीफ को बजरिया कानून या बजरिया माहदा वहाँ से खींच कर लाया जाता है तो उसके बाद नवाज शरीफ की अपनी सियासी अखलाकी पोजीशन क्या होगी। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज और उनके ख़ानदान वालों के सामने खड़े हैं, और इसकी वाहद वजह ये है कि जो स्ट्रेटजी बनाई गई उसके अंदर आपने तीन चार ताने बाने रखे, अब तीन चार ताने बाने आपस में गुड़मुड़ होकर एक गुंजल बना चुके हैं। कभी आप मज़ाहमत करते हैं, कभी आप मफाहमत करते हैं, कभी आप ना मज़ाहमत करते हैं ना मफाहमत करते हैं, कभी आप असम्बलियों के अंदर जाकर असम्बलियों को मोतबर करते हैं, कभी आप असम्बलियों से रेजिग्नेशन की बात करते हैं, कभी आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर एहतजाज एतराज़ और इनकलाब की बात करते हैं, कभी पीडीएम के प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पर अबेंडन करके अपनी अपनी पॉलिसी चलाने की कोशिश करते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर आप नए सेटअप बनाने की बात करते हैं, और कभी आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर आप पुराने सेटअप को चलाने की बात करते हैं। तो जो तजादात थे अब वो खुल के सामने आ गए हैं, और एक नुक्ते पर बात जाकर टिक गई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या इस अदालत के फैसले के बाद ख़ुद से ये फैसला करेंगे कि अब उनको आ जाना है। मैंने आपको एक स्टेज में बताया था कि उनका ख्याल यह है कि इलेक्शन के करीब तरीन अगर वो वापस आए तो जेल में भी चले जाएँ तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी इलेक्शन जो हैं वो काफ़ी दूर हैं। अगर इस तमाम मुद्दत में वो जेल के अंदर रहे और मुख्तलिफ़ लेवल्स पर सज़ाएँ उनकी बरकरार रहीं तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो ये रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते, अगर नहीं आएँगे और उनको खींच के लाया गया तो फिर क्या होगा, और अगर खींच के भी नहीं लाया जाता और ख़ुद भी नहीं आता तो फिर बाहर बैठकर वो किस तरीके से पार्टी को चला पाएंगे, जानते हुए कि अब नून लीग की जो मुफाहमत वाली पॉलिसी है उन्होंने अपने भाई के हवाले की हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जिन मामलात को संजीदगी से बहुत अरसे तक नहीं लिया गया, और ये सोचा गया कि जब हम इतनी बड़ी सियासी जमात है और हमारा इतना बड़ा जुस्सा है और जब हम बात करेंगे तो फिर लोग हमारी बात सुनेंगे, मुख्तलिफ हलकों की बात कर रहा हूँ, वो जोम जो है अब आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े वाज़े अंदाज से बताया गया है इन फैसलों के ज़रिए कि कानूनी तौर पर जो रस्ते हैं
वो महदूद हो गए हैं, बल्कि एक लिहाज से मसदूद हो गए हैं वो रस्ते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश अब मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ की पॉलिटिकल ऑप्शंस श्रिंक हो रही हैं, तो क्या अब पॉलिटिकल ऑप्शंस के अंदर दोबारा से एक मज़ाहमत का अंसर नवाज शरीफ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? लेकिन अभी तो मफाहमत शुरू की है, अब दोबारा से मज़ाहमत की बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि जब ख़ुद पर दबाव पड़ता है तो मज़ाहमत की बात शुरू कर देते हैं, जब ख़ुद को सहूलत मिलती है तो फिर मफाहमती पॉलिसी अपना लेते हैं।